हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 14 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, वेंकैया कंसिडर्स एक्शन अगेंस्ट अनरूली अपोजिशन एमपी सीक्स एडवाइस। तो वेंकैया नायडू जी हमारे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस बार जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन हुआ, वहाँ पर काफ़ी केओस और रकस देखा गया। जो अपोजिशन थी उनकी ये डिमांड थी कि पेगासस के ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट रेडी नहीं थी पेगासस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो जो भी बिल्स पास हुए हैं इस मानसून सेशन में, वो काफ़ी हेस्ट में पास हुए हैं और उन पर कोई भी डेलिब्रेशन डिस्कशन नहीं हुआ है। तो अब वेंकैया नायडू जी कुछ स्टेप्स कंसिडर करने की कोशिश करें कि कौन से हम एक्शन ले सकते हैं अनरूली एमपीज़ के अगेंस्ट। तो यहाँ पर दो कमिटीज़ की बात की गई है। तो पहली कमेटी है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द राज्यसभा, जो कि बेसिकली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को देखती है, और एक दूसरी कमेटी होती है कमेटी ऑन एथिक्स। ये कंसिडर करती है कि जो मेंबर्स हैं उनके एथिकल कंडक्ट है या नहीं है, कहीं वो अनएथिकल कंडक्ट तो नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी मिसकंडक्ट होता है बाय द मेंबर्स। तो जो भी एक कमेटी का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो आप उस कमेटीज़ में जो भी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं तो वो सब आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि एक बार कमेटी से क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स में। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो पीएम लॉन्चेस स्क्रैप पॉलिसी फॉर अनफिट व्हीकल्स। तो पीएम मोदी ने लॉन्च की एक स्क्रैप पॉलिसी अनफिट व्हीकल्स के लिए। तो जो भी अपनी ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करेगा, तो अगर वो नई व्हीकल खरीदेगा तो उसको उस पर वेवर मिलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी उस पर वेवर मिलेगा। साथ ही रोड टैक्स पर भी कुछ ऐसे रिलीफ मिलेगा। तो कोई भी इस स्क्रैपेज पॉलिसी में, कोई भी अपनी अगर ओल्ड व्हीकल को स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत कंसिडर करेगा, तो उसे रोड टैक्स में रिलीफ मिलेगा, और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी न्यू व्हीकल की, वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। अब ऐसा क्यों करने की कोशिश करिए गवर्नमेंट की, लोग अपनी पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप कर दें? ताकि इसलिए जब लोग नई व्हीकल्स खरीदें, तो अगर न्यू ग्रीनर और ज़्यादा मॉडर्न मशीन से होगी तो उससे कार्बन फुटप्रिंट कम जनरेट होगा, और साथ ही साथ जो रोड पर कंजेशन कम होगा और उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, तो उससे जो क्लाइमेट चेंज है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी IPCC की रिपोर्ट आई तो ये पता चला है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो उसे अरेस्ट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर और देख लेते हैं स्क्रैप पॉलिसी में और क्या क्या है। तो अलंग भावनगर, जो कि बेसिकली शिप की स्क्रैपेज करता है, तो उसे कंसिडर किया जा सकता है कि वो व्हीकल की भी स्क्रैपेज कर सके। तो टुडे द नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी इज़ बीइंग लॉन्च्ड। इस पॉलिसी की वजह से न्यू इंडिया को एक न्यू आइडेंटिटी मिलेगी, ऑटो मोबाइल सेक्टर को एक न्यू आइडेंटिटी मिलेगी, और साथ ही जो कंट्री की व्हीकल पॉपुलेशन वो मॉडर्नाइज होगी, और जो भी अनफिट व्हीकल्स हैं वो रोड से रिमूव हो जाएंगी। न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन मोबिलिटी नॉट ओनली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड व्हीकल्स होंगे, उससे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन तो कम ही होगा, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिवाइव होगी। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा गया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी डीप चले गए थे वो लोग, बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा था, रिसेशन में चला गया था, तो उससे वो बाहर आ सकता है। इसलिए और ये समय की ज़रूरत भी है कि इंडिया क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी में मूव हो इन द 21st सेंचुरी। साथ ही ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये सर्कुलर इकोनॉमी का भी पार्ट है, क्योंकि जब स्क्रैप चला जाएगा फिर नई व्हीकल बनेगी, तो इसकी वजह से सर्कुलर इकोनॉमी भी होगी, जिसकी वजह से 10,000 करोड़ का वर्थ ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट आ सकता है। साथ ही अलंग, जो कि बेसिकली शिप ब्रेकिंग यार्ड है, 8,300 शिप्स वहाँ पर ब्रोक हो चुकी हैं, तो अब इस एंटायर रीजन में यहाँ पर स्किल है ब्रेकिंग की, स्क्रैपिंग की, तो अब शिप्स के बाद ये बिग हब भी बन सकता है व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए। और जिनकी भी व्हीकल ऐसे वो अपनी स्क्रैप करेंगे, तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, और जब भी वो नई व्हीकल खरीदेंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ी में वेव ऑफ मिल जाएगा, और साथ ही रिलीफ मिल जाएगा रोड टैक्स में। दूसरी बात ये, उनको कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे रोड टैक्स की पेमेंट में, और रिपेयर मेंटेनेंस और फ्यूल ऑफ द ओल्ड व्हीकल। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के बारे में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम सेंटर ने ये नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ही है अभी तो, कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो 2022 से बैन हो जाएगी। तो उस प्लास्टिक में कुछ अलग अलग कमोडिटीज़ भी कंसिडर किए गए हैं, जैसे कि कटलरी, स्ट्रॉज एंड स्टिरर्स, ईयरबड्स जो कि बेसिकली प्लास्टिक की जिसमें स्टिक होती है, बलून स्टिक्स, फ्लैक्स, आइसक्रीम एंड कैंडी स्टिक्स, रैपिंग फिल्म अराउंड स्वीट बॉक्सेस, सिगरेट पैकेट्स, इन्विटेशन कार्ड्स, और जो भी प्लास्टिक और PVC बैनर्स 100 माइक्रोन से कम है, एंड द लास्ट वन इज थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन। तो सेंटर ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नेक्स्ट ईयर तक पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है, और इसमें ये मैंने बताया जो परव्यू में और सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके साथ पॉलीस्टाइरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटीज़ प्रोहिबिट हो जाएगी।
1 जुलाई 2022 से जो भी पॉलीथीन बैग्स 50 माइक्रॉन से कम है वो तो अभी ही बैन है, लेकिन अब 75 माइक्रॉन से कम वाले भी बैन हो जाएंगे। और दिसंबर 31 नेक्स्ट ईयर से जो पॉलीथीन बैग्स हैं 120 माइक्रॉन वो भी बैन हो जाएंगे। तो इस साल के सितंबर 30 से जो भी पॉलीथीन बैग्स 75 माइक्रॉन से उसको बैन कर देंगे। फिर अगले साल दिसंबर 31 से जो 120 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग्स हैं उनको बैन कर देंगे। अब रीज़न क्या है कि क्यों बैन किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये है ये जो प्लास्टिक, ये जो थिन प्लास्टिक होती है इसको रिसाइकिल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसकी कलेक्शन भी नहीं हो पाती है। तो इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जो कि बेसिकली ये प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो भी MSME प्लास्टिक पॉलीथीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो जो उसका बेनिफिट होता है, जो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द एनवायरमेंटल देखें, तो एनवायरमेंट को नुकसान ज़्यादा हो रहा है अगर हम उसके बेनिफिट से कंपेयर करें जो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो वी हैव कम आउट विद दिस दैट वी हैव एलिमिनेटेड द प्लास्टिक फॉर विच द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वॉज ह्यूज। तो ऐसी पतली प्लास्टिक्स को कलेक्ट करने में काफ़ी पैसे लग जाते थे और एनवायरमेंटल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत कम होती थी। तो ये एक रीज़न दिया गया है बैन करने का। बाकी जो मैनी प्लास्टिक कमोडिटीज़ हैं उनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो बेसिकली वो लैंडफिल्स में ही जाती हैं। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है जो रैक पिकर्स होते हैं अगर वो बेचते भी हैं तो उन्हें थिकर प्लास्टिक की ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज़ कम्पेयर टू द थिनर वंस। The ban will not apply to commodities made of compostable plastic. तो जो प्लास्टिक कंपोस्ट हो सकती है तो उसको नहीं इंक्लूड किया गया इसमें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आस्किंग इट टू एक्ट अगेंस्ट द कांग्रेस लीडर हैंडल फॉर ट्वीटिंग पिक्चर्स ऑफ द फैमिली। तो एक जो 9 ईयर की लड़की थी एक्चुअली दिल्ली में, उसका जो एलेज रेप की स्टोरी है, तो इन्होंने क्या किया था उसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी। तो NCPCR ने यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस लॉ को साइट किया है जिसमें जो भी माइनर विक्टिम्स हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना होता है, इवन आफ्टर डेथ ही मेंटेन करना होता है कि आप उसकी फोटो ऐसे सोशल मीडिया पे ना डालें। तो NCPCR द कंट्रीज एपिक्स चाइल्ड राइट्स पैनल स्टेटेड दैट कि अगर ऐसा किया जाता सोशल मीडिया पे या उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजन वॉयलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अपने जजमेंट्स में ये भी बोला है जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है, जो विक्टिम है, उसे रिवील नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि चाइल्ड की डेथ के बाद भी नहीं किया जा सकता है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में डिमांड की गई थी इस इन्फॉर्मेशन की, जो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन रिजेक्टेड अ प्ली फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइल, तो उसकी फाइल मांगी गई थी जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसकी फाइल मांगी गई थी। तो यहाँ पर एक एग्जेम्पशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज 8 ऑफ द RTI एक्ट ये बोलता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से सॉवरनिटी या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट का सवाल है, या तो फॉरेन स्टेट से रिलेशन का सवाल है, या तो उससे ऑफेंस जो इंसाइटमेंट हो सकता है किसी ऑफेंस का, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना किया जा सकता है। तो एग्जेम्पशन है RTI एक्ट में सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज 8 में, क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर सॉवरनिटी ऑफ द स्टेट की बात आ जाती है, फॉरेन रिलेशंस की बात आ जाती है, इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस की बात आ जाती है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस की बात आ जाती है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कास्ट सेंसस की, जो BJD बार बार कह रहा था कास्ट सेंसस कराया जाए सेंसस में, तो अभी तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोला है अभी जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें अभी जब पंचायत इलेक्शंस लड़ेंगे तो उसमें 27% जो होंगे वो OBC कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक जजमेंट आया है वो ये है, विद अ पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन अवेटिंग एडजुडिकेशन ऑफ गिल्ट बिकम्स unduly long, right to life and the protection of fair and reasonable procedure envisaged by the article 21 are jeopardized. तो कभी कोई इंसान अभी उस पर जो वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ लेकिन वो काफ़ी टाइम अपना जेल में गुजार चुका है, तो जब पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन है, जो पीरियड वो जेल में रहा है और अभी उसकी गिल्ट का एडजुडिकेशन नहीं हो पाया और वो पीरियड काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहाँ पर जो राइट टू लाइफ है और इस इंसान की वो उसको खतरा हो जाता है, वो जेपर्डी में आ जाती है आर्टिकल 21। तो इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, एक कोई टेरर अक्यूज में था उसको बेल दे दी है क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकार्सरेटेड था और अभी तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ था। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का बजट आया, तो अगर आप तमिलनाडु से तो आप इस बजट को डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। एक वाइट पेपर सबसे पहले रिलीज़ किया गया था जिसमें ये पता चला था कि तमिलनाडु का ओवरऑल डेट 5.70 लाख करोड़ है। तो यहाँ ज़रूरत है जो तमिलनाडु है वो अपनी सब्सिडीज़ को रैशनलाइज़ करे, लेकिन ऐसा कुछ बजट में दिख नहीं रहा है कि उन्होंने अपनी सब्सिडीज़ को रैशनलाइज़ किया है।
ये जो टैक्स ऑन पेट्रोल है उसको 3 3 पर लीटर कम कर दिया, इसका मतलब उनको लगभग हर साल 1160 करोड़ का नुकसान होने वाला है। जो वहाँ की वुमेन है उनको 1000 रुपये मंथली कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, साथ ही फ्री बस ट्रैवल किया गया है वुमेन के लिए, फूड सब्सिडी को लगभग 8000 करोड़ से बढ़ा दिया गया है, ग्रीन फंड की बात की गई है तो जो भी क्वारी साइट्स हैं उनको सिक्योर और रिस्टोर किया जाएगा इस ग्रीन फंड, तो ग्रीन फंड में पैसा आएगा सेस के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। मनरेगा में लगभग 3800 करोड़ रूरल हाउसिंग के लिए एलोकेट किए गए हैं, साथ ही 100 करोड़ अलग रखे गए हैं जो भी टेम्पल टैंक्स हैं और न्यू चैरियर्स गार्डन्स फॉर टेम्पल्स हैं उनको रिजुविनेट करने के लिए। और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं फोकस में क्या क्या, कल्चरल फोकस में क्या क्या है। तो स्ट्रेंथनिंग द यूज़ ऑफ तमिल इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्रेटेरिया टू फील्ड, तमिल लैंग्वेज का यूज़ बढ़ाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ कीजहाड़ी, सिवाकलाई एंड कोंडुमनल एज प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट्स, तो इन तीन साइट्स को आर्कोलॉजिकल साइट्स, प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट्स में क्लासीफाई कर देंगे। 5 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए, साथ ही अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ डीप सी एक्सकवेशन, तो जो भी संगम एरा के हार्बर्स हैं जैसे कि कोरकाई, अजागनकुलम, तो वहाँ पर डीप सी एक्सकवेशन करेंगे ये लोग। हम आगे चलते हैं, ये बेसिकली अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इंडिया सेट टू इंपोर्ट 15 लाख टन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोई मील, तो ये पहली बार ऐसा कर रही है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर रिटर्न ऑफ स्पेक्ट्र, यहाँ पर तालिबान के बारे में आर्टिकल है, तो तालिबान का तो आपको सब पता ही है। तो अब अफगानिस्तान में सबसे पहले ऑथर ने बोला जो व्हील है वो पूरी तरह से टर्न हो चुका है, 1996 में तालिबान पावर में था, फिर 2001 में उसे पावर से हटा दिया गया था यूएस के द्वारा, यूएस फोर्सेस के द्वारा, लेकिन अब वापस से 2 डेकेड्स के बाद तालिबान फिर से पावर में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो 25 ईयर्स लेटर एंड 2 डेकेड्स आफ्टर दे वर आउस्टेड फ्रॉम द सीट इन काबुल बाय द यूएस एंड द अदर नेटो फोर्सेस, तो यूएस और नेटो फोर्सेस ने उन्हें तालिबान को पावर से हटा दिया था, लेकिन अब तालिबान वापस से पावर में आने वाला है लगभग 90 दिनों में। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 90 दिनों में जो तालिबान है वो काबुल को भी कैप्चर कर लेगा। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखें तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स 2/3 जो अफगानिस्तान का लैंडमास है, यहाँ तक कि नॉन पश्तून नॉर्थ जो कि बेसिकली 1996 में जो तालिबान है वो कैप्चर नहीं कर पाया था, लेकिन अब जो तालिबान है उसने नॉन पश्तून नॉर्थ को भी कैप्चर कर लिया है। 1990s में नदन अलायंस द्वारा रेजिस्टेंस देखा गया था, लेकिन इस बार वो रेजिस्टेंस भी नहीं देखा जा रहा है। तो इस बार कोई नदन अलायंस जैसी चीज़ ही नहीं है। जो अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज है लगभग 1,80,000 लोग हैं, पुलिस है 1,50,000 की, एयरफोर्स है, अदर सिक्योरिटी विंग्स है, यूएस मिलिट्री द्वारा ट्रेंड है, लेकिन फिर भी वो तालिबान के सामने नहीं लड़ पा रहे हैं और एक के बाद एक जो सिटी है वो तालिबान के कंट्रोल में आता जा रहा है। तो एक तो वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में, जैसे कि हज़ाराज हैं, पश्तूनस हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, तो यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी की वजह से भी कोई अलायंस जैसी चीज़ बन नहीं पा रही है। अगर अगस्त 31 डेडलाइन दी गई थी फुल अमेरिकन विड्रॉल के लिए, अब जो कुछ अमेरिका के लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो यूएस के स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान के, वह तालिबान से ऐसे प्लीड कर रहे हैं कि जो अमेरिका फंसे हुए हैं, अमेरिकन फंसे हुए हैं, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। जो दोहा एग्रीमेंट, बेसिकली दोहा एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो वायलेंस रोका जाए, लेकिन उसके बाद भी उस एग्रीमेंट का भी कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। दोहा एग्रीमेंट में यहाँ तक कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसे बाहर रखा गया था ताकि तालिबान खुश होकर कुछ तो एग्रीमेंट करे, तो दोहा एग्रीमेंट फ्रॉम विच द यूएस एक्सक्लूडेड द अफगान गवर्नमेंट, तो बेसिकली जो दोहा एग्रीमेंट था उसमें अफगान गवर्नमेंट को भी बाहर रखा गया था ताकि तालिबान खुश रहे, लेकिन अभी वो भी टैटर्स में दिख रहा है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी ने ये एस्टिमेट किया कि लगभग 4 लाख अफगान सिविलियंस हैं जो कि उनको अपने घरों से भागने की ज़रूरत पड़ रही है। ज़्यादा तो अभी इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो उनको अपने आने भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब वो आएंगे तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। तो एन ऑफ़र बाई घनी, अब घनी ने ये ऑफ़र किया था तालिबान के साथ कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करें, लेकिन अब तालिबान तो को तो पता ही है, वो तो कस्प ऑफ विनिंग इट ऑल, वो सबको जीतने वाला है, तो फिर वो क्यों करेगा ऐसा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। तालिबान है उनको सारे कम्युनिटीज़ का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पश्तूनस, अब दो ही इंटरनेशनल पावर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ पे तालिबान के आने से, एक रशिया, चाइना और एक पाकिस्तान। तो द मेजॉरिटी कम्युनिटी अफगानिस्तान है सेवरल इंटरनेशनल पावर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने यूएस से बात की थी और यूएस के विड्रॉल का जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द तालिबान एंड द यूएस। उसके बाद जो ट्रॉयका प्लस है, तो ट्रॉयका प्लस में इंडिया को भी इन्विटेशन मिला है, तो फिर ये एक कॉन्सोलेशन की तरह हो सकता है कि इंडिया को बुलाया गया ट्रॉयका प्लस में, पहले तो बुला भी नहीं रहे थे। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये बोला है जो फैशन इंडस्ट्री है उसकी वजह से कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। तो फैशन इंडस्ट्री उसमें मैसिव एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, लगभग 10% जो ग्लोबल का कार्बन इमिशन होता है वो फैशन इंडस्ट्री से ही आता है। 20% ऑफ वेस्ट वाटर फैशन इंडस्ट्री से जनरेट होता है और ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं देन द एविएशन एंड द शिपिंग कम्बाइंड।
और जो जैसे कुछ ब्रांड्स हैं वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि वो बहुत इको फ्रेंडली, वो एक्चुअली इको फ्रेंडली होते नहीं है। अगर उन्होंने बहुत टाइनी परसेंटेज भी यूज़ किया होता ऑर्गेनिकली ग्रोन कॉटन का, तो वो बस एक लेबल लगा देते हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रोन कॉटन यूज़ किया होता, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बहुत टाइनी परसेंटेज यूज़ किया होता। तो बिल्कुल भी अनसस्टेनेबल है ये, बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है फैशन इंडस्ट्री। और ये सस्टेनेबल तभी हो सकती है जब कंज्यूमर्स खुद इसका यूज़ करना कम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जाएं तो नए नए ही कपड़े पहने, आप अपने पहले के कपड़े रिपीट भी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जीडीपी को एचडीपी, अब ऑथर अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो जीडीपी है, जीडीपी तो है लेकिन अभी हमें उससे एक स्टेप आगे जाके ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट मेजर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑथर ने कुछ डेटा कोट किया है। पैंडेमिक से पहले देखा जाए तो मीडियन हाउसहोल्ड जो इनकम है इंडिया में वो लगभग 15,000 पर मंथ है। तो इसका मतलब ये है अगर चार लोगों का परिवार है तो एक इंसान अपने ऊपर 125 रुपये खर्च कर सकता है, और इस 125 रुपये में उसे सब करना है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फेस्टिवल्स एंड मोर। तो इससे ये पता चलता है कि अगर पैंडेमिक जैसी कोई चीज़ आ गई, मतलब अगर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया हेल्थ पे, तो वो जो फैमिली वो पॉवर्टी में चली जाएगी। जो बॉटम 25% है वो लगभग 8,500 से भी कम इनकम पर रहता है, मतलब एक इंसान के पास लगभग 70 रुपये हैं। तो फॉर द बॉटम 10% तो नंबर और भी ज़्यादा ख़राब है। तो नन ऑफ दीज नंबर्स कैप्चर, अब ये सारे नंबर्स तो हैं पर हमें ये नहीं पता कि जो जेंडर, कास्ट, रीजन्स और मोर, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा इनजस्टिस है। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले ये बोला कि हमें एचडीपी नापने की ज़रूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट। और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट के लिए ऑथर ने बोला इसमें 5 पैरामीटर्स होने चाहिए। पहला फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा जेंडर इनकम पैरिटी की जो वेज है, अगर फीमेल आ भी गई जॉब मार्केट में, आ गई वो जॉब कर रही, लेकिन अगर उन्हें इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे मेन के साथ, तो फिर यहाँ पे उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी मेज़र करने की ज़रूरत है। साथ में तीसरी बात स्टंटिंग, क्योंकि स्टंटिंग जो चिल्ड्रन में लगभग वो 35% है। फोर्थ वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, और पांचवा क्वालिटी ऑफ पॉलिटी की पॉलिटी कैसी है। और ये कैसे मेज़र कर सकते हैं कि जो भी MPs उसमें कितनों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे। अब ऑथर ने बोला HDP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेज़र करना। ये जो ऑथर ने वाइटल फ्यूज बताए, ये 5 पॉइंट्स बताए कि इन 5 पैरामीटर्स को मेज़र करो, तो ये एक्चुअली बहुत सारे इन्यूमरेबल फैक्टर्स इससे मेज़र हो जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन, क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तभी वो जॉब मार्केट में आ पाएगी। हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी स्टंटिंग का जो फिगर है वो ठीक दिखेगा। लाइवलीहुड, सोसाइटल नॉर्म्स, पॉलिटिकल क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड मोर। तो अगर HDP इंप्रूव होगा तो इसका मतलब एक्चुअली इन सारे फैक्टर्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन रहा है, वैसे तो ऑथर ने एक्चुअली कंपेयर किया है कि जब हम आज़ाद हुए थे और आज का भारत को कंपेयर किया कि तब पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्या लेवल था और आज क्या लेवल हो गया है। तो द पार्लियामेंट और द पीपल्स वॉइस एंड विल इज़ एज क्योटिक विद इन एज आर स्ट्रीट्स आउटसाइड इट, तो आज बहुत ज़्यादा क्योटिक है। अगर हम तब कंपेयर करें जब हम एक्चुअली आज़ाद ही हुए थे, तो उसके बाद भी जब पार्टीशन का इशू चल रहा था, वॉर का इशू चल रहा था, उसके बाद भी पार्लियामेंट होती थी, उसमें डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कोई डिबेट, डिस्कशन कुछ नहीं होता है। तो इन 2020 जो पार्लियामेंट लगभग सेशन में सिर्फ 33 दिन बैठी, चलो इस साल तो कोविड था इसलिए पार्लियामेंट कम बैठी होगी, ठीक है। तो इन द 2021 मॉनसून सेशन जो लोकसभा थी वो शेड्यूल टू वर्क फॉर 6 आवर्स पर डे फॉर 19 डेज, इंस्टेड वो सिर्फ 21 आवर्स इन टोटल और 21% ऑफ व्हाट वाज कंसीव, सिर्फ जितना शेड्यूल टाइम था उसका सिर्फ 21% ही कंसीव हो पाया है। अगर फिर ऑथर ने ब्राज़ील और USA से कंपेयर किया तो USA की पार्लियामेंट लगभग एक साल में 113 दिन फिजिकली मेट होती है, इन द ईयर बिफोर वो लगभग 130 दिन मेट हुए थे। तो इट्स नॉट जस्ट अ पैंडमिक, तो ऑथर ने बोला सिर्फ पैंडमिक की वजह से लो फंक्शनिंग नहीं है हमारे यहाँ, हमारे इन द पास्ट 10 ईयर्स जो राज्यसभा है उसने लगभग 25% शेड्यूल टाइम से कम काम किया है। और PRS से ये पता चलता है जो इस बार 15 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मानसून सेशन में, उसमें से किसी भी बिल को पार्लियामेंट कमेटी को रेफर ही नहीं किया गया। इन द लोकसभा कमेंसिंग 2019 सिर्फ 12% बिल्स हैं जो कि रेफर किए गए हैं कमेटी को। अगर हम 16th लोकसभा में देखें तो लगभग 27% बिल रेफर किए गए थे, 15 लोकसभा में देखें, 15th लोकसभा में तो 71% बिल्स रेफर किए गए थे स्टैंडिंग कमेटीज़ को। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे लोकसभा बढ़ रही हैं जो बिल्स रेफर किए जाते हैं पार्लियामेंट को वो कम होते जा रहे हैं। ये आप डेटा कोट कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को बिल रेफर किए जाते हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, जो शेड्यूल टाइम्स में जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये आप डेटा कोट कर सकते हैं, बाकी इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन में ये स्क्रैपिंग ओल्ड कार्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अरुणाचल प्रदेश में जो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट है उसको, उसके लिए एक बिल आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन थे पहले अरुणाचल प्रदेश की लिस्ट में, तो जो कॉलोनियल एरा में मेंशन थे बेसिकली उसी को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया था।
फॉर एग्जाम्पल जैसे नागा ट्राइब है, तो नागा ट्राइब में भी चार नागा ट्राइब्स हैं, वहाँ पर नॉक्टे, टांगसा, तोत्सा, वांचो। तो ऐसे नहीं मेंशन किया गया था अरुणाचल प्रदेश की एसटी लिस्ट में, सिर्फ ऐसे एनी नागा ट्राइब्स मेंशन कर दिया गया था। अब बेसिकली चार तरीके की अलग नागा ट्राइब्स को मेंशन किया गया, तो इससे लोगों में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अब वैसा ही उन्हें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो बिल आ रहा है वो मॉडिफाई करेगा पार्ट 18th ऑफ द शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 18th लिस्ट 16 ट्राइब्स इन अरुणाचल, जिसमें से आप नाम देख सकते हैं अबोर, अका, अपातनी, नाइशी, गलोंग, कामती, खोवा, मिशमी, मोम्बा, एनी नागा ट्राइब्स, शेरदुकपान, शिंगपू, हुरुशु, तागिन, खाम्बा एंड आदि। यहाँ पे एनी नागा ट्राइब्स की जगह अब चेंज करके चार ट्राइब्स को अलग अलग मेंशन किया गया, ऐसे ही मिशमी की जगह भी अलग अलग मेंशन किया गया है। इस बिल के थ्रू इंडिजिनस नॉमनक्लेचर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत पहले से ट्राइब्स अपने आप को उन इंडिजिनस नॉमनक्लेचर से आइडेंटिफाई करती हैं। तो इसके दो रीज़न है, पहली बात यह है इससे जो ट्राइब्स हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का रिकॉग्निशन होगा, और दूसरी बात यह जो एरर्स होती थी, जो एम्बिग्यूटी होती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन ही ले लिए गए थे जो भी थे, तो उसी की वजह से इनका जो जिससे आइडेंटिफाई करती वो नाम नहीं आ पाए। तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होगा। अब जैसे मिशमीज में भी तीन ग्रुप है, ईडो, कमान, तराओं, तो अगर सिर्फ मिशमी लिख दो तो ये तीनों ग्रुप्स फिर सेम ही कैटेगरी में आ गए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इन तीनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद भी जो ईडो है वो कमान और तराओं से लिंग्विस्टिकली डिफरेंट है, जो कमान और तराओं है वो कल्चरली तो सिमिलर है लेकिन लिंग्विस्टिकली वो भी डिफरेंट है। सिमिलरली नॉक्टे, टांगसा, तुत्सन, वांचो, तो ये नागा ट्राइब्स हैं, कॉलोनियल रिकॉर्ड से डायरेक्टली ये लिख दिया गया था नागा ट्राइब्स, लेकिन अब इनको अलग अलग तरीके से मेंशन किया जाएगा। लेकिन जो एनएससीएन इसाक मवैया ग्रुप है वो इससे थोड़ा नाराज़ हो सकता है, क्योंकि उनका बेसिकली ये है कि हमें ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है, ग्रेटर नागालैंड बनना होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, उनका ऐसा कहना है जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लाइंस क्रिएट कर दे रही है इन चारों के बीच में। तो अब लाइंस क्रिएट हो जाएगी नागा ट्राइब्स के बीच में, तो वो अपनी अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी को असर्टेन करने की कोशिश करेंगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली तालिबान कैप्चर कर रहा है, कांधार कैप्चर कर लिया। यहाँ पे चमन स्पिन बॉलडॉक जो रीजन है वो लैंडलॉक अफगानिस्तान का सेकंड बिजिएस्ट एंट्री पॉइंट है और मेन कमर्शियल आर्टरी टू द पाकिस्तान सी कोस्ट। अब फ्रेंडशिप गेट का है, तो फ्रेंडशिप गेट पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। आगे चलते हैं। अब ये तालिबान ने कैप्चर कर लिया हेरात को, जो कि अफगानिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। अब यूएस के सेंसस डेटा से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले ये जो यूएस की वाइट पॉपुलेशन वो फेल हो गई फ्रॉम द 63.7% इन 2010 टू 57.8%, तो उनकी वाइट पॉपुलेशन फेल हो गई है। साथ ही जो ग्रोथ हुई है वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में हुई है पिछले 10 सालों में। जो स्मॉलर कंट्रीज़ में लोग रहते थे वो लार्जर कंट्रीज़ में मूव ऑन कर दिए हैं। 80% मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में पॉपुलेशन गेन देखा गया है। जो शेयर ऑफ चिल्ड्रन है यूएस में डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट फॉल हो रहा है। साथ ही जो एडल्ट्स हैं वो बढ़े हैं बाय एजिंग बेबी बूमर्स, तो जो बेबी बूमर्स है वो भी बढ़े हैं। तो नेशन की 7.4% ग्रोथ रेट ओवर द डिकेड द स्मॉलेस्ट सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। तो हिस्पैनिक बेसिकली वो हैं जो क्यूबन है, प्यूर्टो रिकन है, यहाँ के जो एरिया वाले लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ रेस, तो उनको ये सेंसस में हिस्पैनिक के नाम से रेफर करते हैं। हिस्पैनिक स्टूडेंट 62.1 मिलियन रेसिडेंट्स इन 2020, या फिर मतलब 18.7% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। एशियन ग्रोथ जंप हुई है देन अ थर्ड ओवर द डेकेड, राइजिंग टू 24 मिलियन। आई होप आपको आज की न्यूज़ पेपर समझ आए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।